वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर किसने फेंक दी चप्पल? पहले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में साहिब को वाराणसी से शर्मनाक जीत मिली है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है कि जो अपने आप को भी सुगुरु कहते थे, जिनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक का न जाने कितना भर भर के पैसा था, जिनके पास बड़े बड़े सेठों का साथ है, देश भर की जांच एजेंसियां हैं और सबसे बढ़ चढ़ के चुनाव आयोग जिसका झंडा उठाया हुआ है, वो भी यदि वाराणसी में मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाता है तो फिर ये जीत तो है मगर शर्मनाक जीत है, वो भी तब जब बीजेपी के ही 100 से अधिक सांसद प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत कर आए हैं। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, इसी वाराणसी में 41 में से 33 उम्मीदवारों का पर्चा भी खारिज हो गया था, श्याम रंगीला तो याद ही होंगे। अब सोचिए, यदि ये 33 उम्मीदवार चुनाव लड़ जाते, उनको हटाया नहीं जाता और 5-5 हजार वोट भी बटोर लेते तो साहिब का क्या होता। चलिए, चुनाव में जो हुआ वो तो बीत गया, मगर अब एक नई कहानी सामने आ गई है। कल ही साहिब वाराणसी गए थे और वाराणसी में उनकी गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंक दिया। पूरी वीडियो आपको बढ़िया से दिखाएंगे, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि वाराणसी से ही कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने साहिब को चुनौती दे डाली है। कौन सी चुनौती दी है उस पर भी बात करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पूरी पिक्चर शुरू हो चुकी है, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी कर रहे थे चुनाव से पहले। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि मोदी के पिक्चर में कांग्रेस का क्या रोल है, कांग्रेस की सरकारों का क्या रोल है। कुछ और मामले हैं जिन पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टंड से। हर एक वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है, सब्सक्राइब वगैरह करने में पैसा नहीं लगता है, ये काम बिल्कुल फ्री है, इसको शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यू आर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ सेट का टेम्पो नहीं आता, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी वाला ये वीडियो देखिए। हाल ही में साहिब वाराणसी गए थे और अब ये वीडियो जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्स पर एक यूजर है रविंदर कपूर, इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है और दावा किया है कि यकीन मानिए, गोदी मीडिया आपको ये वीडियो कभी नहीं दिखाएगा। कल जब नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में थे तो किसी शुभचिंतक ने उन पर चप्पल फेंकी जो उनकी गाड़ी पर गिरी, सुरक्षा कर्मियों को घातक हथियार निकालते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में 17 से 18 सेकंड के आसपास लोगों को ये बोलते हुए भी सुना जा सकता है कि चप्पल फेंक कर मारा जा रहा है, चप्पल फेंक रहा है, ऐसी बात। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पर से वो चप्पल सुरक्षा कर्मी उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि साहिब की यात्राओं में और उनके इवेंट्स में सैकड़ों की संख्या में कैमरे होते हैं, गोदी मीडिया का कैमरा भी भर भर के होता है, फिर ये घटना गोदी मीडिया के कैमरे की नजर से कैसे बच गई? यदि यही चप्पल फेंको कार्यक्रम राहुल गांधी के साथ हो जाता या फिर विपक्ष के किसी भी बड़े नेता के साथ होता तो भी क्या गोदी मीडिया ऐसे ही उसको गायब कर देता? वैसे ये मामला सुरक्षा में चूक का भी है, यदि इतनी आसानी से प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चप्पल फेंका जा सकता है तो फिर कुछ और भी फेंका जा सकता था। मगर सवाल गोदी मीडिया का है कि कैसे वो चुपके से बिना पानी के इस चप्पल फेंकने वाली कथित घटना को घोंट गया। उधर वाराणसी से ही कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अजय राय ने साहिब को चुनौती दे डाली है, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वो यहां आए, इस्तीफा देकर काशी से दोबारा चुनाव लड़के दिखा दें, अगर वो जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आगे अजय राय का कहना है कि प्रधानमंत्री वाराणसी में खाली घूमने और इवेंट करने आए थे, इस दौरान किसी किसान या आम जनता के हित की बात नहीं की। हाल ही में जिस किसान की यहां पर मौत हुई उससे महज 2 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आए, किसान का नाम तक नहीं लिया, परिजनों से मिले तक नहीं, बस वाराणसी में आए, पुष्प वर्षा हुई, इवेंट हुआ, घूम घाम के वापस चले गए। न तो महंगाई की बात की, न बेरोजगारी की बात की, न तो जनता की किसी भी समस्या पर बात की। अब अजय राय जी को कौन बताए कि जब जनता से वोट लेना था तब तो साहब ने जनता की समस्याओं की बात की ही नहीं, अब तो वोट मिल चुका है, अब जनता की समस्याओं की बात करने की समस्या क्यों उठाई जाए। इसके साथ ही अजय राय ने एक महत्वपूर्ण बात और उठाई है और वो ये है कि काशी विश्वनाथ धाम में नियमित दर्शन करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है, जो प्रवेश अब तक निःशुल्क हुआ करता था अब नियमित दर्शनार्थियों के लिए 3500 रुपए की सालाना रसीद कटेगी। यानी एक साल तक अगर आप नियमित दर्शन करना चाहते हैं तो 3500 रुपए की रसीद कटवा लीजिए, इसके बाद आपको आईडी कार्ड मिलेगा। गर्मी से हो रही मौतों को लेकर भी अजय राय ने आरोप लगाया कि आजकल जो मौतों का सिलसिला बढ़ा है यह निश्चित ही हीट वेव के कारण है, पर सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए इन मौतों को ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर आदि बीमारी दिखा रही है। हम मांग करते हैं कि श्वेत पत्र जारी करके सरकार मरे हुए लोगों के परिजनों को निर्धारित मुआवजा प्रदान करे। चुनाव के दौरान आपने प्रधानमंत्री मोदी को कई
बार ये कहते हुए सुना होगा कि 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर 2024 चुनाव के बाद दिखाऊंगा। मोदी सत्ता का पिछला 10 साल आप सब ने देखा है, किस तरीके से धार्मिक उन्माद, कितनी नफरत, कितनी सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आप सबके सामने आई। संगठित तरीके से कभी गाय के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लगातार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर भी अत्याचार हुए, हमले हुए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार सुनने को मिली। नासिर जुनैद जैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया। चुनाव के दौरान थोड़ी बहुत शांति थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, माहौल बनाया जा रहा है। सवाल है कि क्या पूरी पिक्चर दिखाने की तैयारी हो रही है? अभी एक के बाद एक लगातार 3 घटनाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तीनों को ध्यान से देखिए। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको उड़ीसा की घटना बताई थी, कैसे वहां पर अभी 10-15 दिन ही हुए भाजपा की सरकार आए हुए और दंगे शुरू हो गए, और अभी एक के बाद एक लगातार मैं 3 घटनाएं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तीनों को ध्यान से देखिए। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि मोदी की पिक्चर में कांग्रेस का क्या रोल है। सबसे पहले अलीगढ़ की इस घटना को देखिए। पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, चोरी के शक में मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब की सड़कों पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, सपा बसपा कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ। इसके बाद दूसरे दिन की इस वीडियो को देखिए। मॉब लिंचिंग के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, कई बाजार बंद है, हल्की पत्थरबाजी हुई, पुलिस तैनात है, भाजपा विधायक और हिंदू संगठन धरने पर बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत हुई है। मुसलमानों का कहना है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हों तभी शव को दफनाया जाएगा। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति को भीड़ सड़क पर घसीटते हुए यहां से वहां ले जा रही है और जोर जोर से पीटा जा रहा है। इस व्यक्ति की बाद में मौत हो गई। इस मामले में यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो भाजपा के विधायक और तथाकथित हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठ जाते हैं, यानी इन लोगों को खुला आतंक मचाने के लिए खुला माहौल चाहिए, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि माहौल पहले से खुला हुआ है, यदि खुला हुआ नहीं होता तो इस तरीके से किसी को पीट पीट कर हत्या नहीं कर दी जाती। समझने वाली बात यह है कि हर बार ऐसे मामलों में भाजपा के नेता और तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हत्यारोपियों के साथ नजर क्यों आते हैं, उनके पक्ष में खड़े क्यों नजर आते हैं, इन्हें पहले ही कैसे पता चल जाता है कि पुलिस जिन्हें गिरफ्तार कर रही है वो निर्दोष है। इस मामले पर पत्रकार कृष्णकांत लिख रहे हैं कि अलीगढ़ में चोरी के शक में मोहम्मद फरीद की 20 सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद माहौल तनावपूर्ण है, मुस्लिम समाज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा विधायक और हिंदू संगठन धरने पर बैठ गए, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि भाजपाइयों को पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो निर्दोष हैं, वे सत्ता में हैं तो पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने की जगह कार्रवाई बाधित क्यों कर रहे हैं? नफरती भाजपाइयों को मॉब लिंचिंग की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वैसे यहां एक बात और समझने वाली है, पिछले 10 सालों में आपने बीजेपी नेताओं की तरफ से एक तर्क हमेशा सुना होगा कि जब भी विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, किसी पत्रकार या समाज सेवी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उठने वाले सवालों के जवाब में भाजपाई लोग कहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अदालत जाइए ना, अदालत तो खुला हुआ है, अदालत पर भरोसा नहीं है क्या, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? क्या वही सवाल इस मामले में भी नहीं है कि भाजपा विधायक और तथाकथित हिंदू संगठनों के लोगों को पुलिस और न्यायालय पर भरोसा नहीं है क्या? और यहां तो आपकी सरकार है, डबल इंजन लगा हुआ है, तब भी क्या आपको निष्पक्ष कार्यवाही पर भरोसा नहीं है? आपको अपनी पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है, अगर उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा तो छोड़ देगी? अभी से आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? पुलिस को अपना काम करने से क्यों रोका जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप सबके पास है, बताने की जरूरत नहीं है। रामराज्य की कहानी आपने देख ली, अब आप राजस्थान घूम लीजिए, इसके बाद हिमाचल लेकर चलेंगे। राजस्थान में हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है। अब राजस्थान से खबर आई है कि किशनगढ़ अजमेर की सब्जी मंडी में मांस के टुकड़े फेंके गए, इसके बाद तनाव पैदा हो गया। मांस का टुकड़ा फेंकने के बाद भीड़ जमा हो गई, प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद करवाने लगी, पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज हुआ। दोपहर लगभग 12:15 एक बाइक सवार सब्जी मंडी के रास्ते से निकलता है और किसी जानवर का मांस गिराकर चला जाता है। इसके बाद लोग गुस्सा जाते हैं और भीड़ जमा हो जाती है, लोग मांस फेंकने वाले को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि कोई असामाजिक तत्व, वो किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो, एक विशेष बात और बता दूं, किसी धर्म का दिखने के लिए धर्म को अपनाना जरूरी नहीं है। दिखने के लिए तिलक लगा लेना और टोपी पहन लेना इतना ही पर्याप्त है, और यह खेल इस देश में सालों से होता आया है, मगर लोगों की आंखें नहीं खुलती। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी असामाजिक तत्व ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो उसे लेकर या बवाल करने से बेहतर तो यह है कि आप शांति से काम लें, क्योंकि फेंकने वाले की तो मंशा ही यही है कि आप दंगा करें, और आप कितने कमजोर निकल जाते हैं कि ऐसी छोटी सी घटना पर आग बबूला हो जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, दंगा और बवाल करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों को जोर शोर से उठाने की बजाय इग्नोर करना जरूरी है? बवाल करके
तनाव फैलाकर तो आपने दंगाई मानसिकता के लोगों को सफल कर दिया, जबकि आवश्यकता है ऐसे लोगों को पकड़ने की और पकड़ के कठोर कार्यवाही करवाने की, सजा दिलवाने की, और न भी पकड़े जाए तो चुपचाप इन घटनाओं को इग्नोर किया जाए, इसी में समाज का भला है। बवाल मचाकर इन साजिशकर्ताओं को सफल न बनाए। फिलहाल खबरों के अनुसार मामला शांत हो चुका है, मगर यदि आरोपी को समय रहते पकड़कर सजा नहीं दी गई तो वो ऐसे ही प्रयास लगातार करता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस देश में लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत कमजोर हैं, और कमजोर नहीं भी हो तो कुछ गुंडे पाल दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जिनका काम ही यही है कि खुद ही साजिश करके मांस फेंकते हैं और फिर खुद ही उसी के विरोध में उतर जाते हैं धर्म का झंडा उठाकर। तो ऐसे लोगों को यदि समय रहते रोका नहीं गया तो फिर ये देश में ऐसे ही आग लगाते रहेंगे। अब हिमाचल चले चलिए, यहाँ का मामला और भी भयावह है। हिमाचल में लगभग एक साल से कांग्रेस की सरकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सचिन गुप्ता द्वारा शेयर की गई इस खबर को देखिए। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों का जावेद की रेडीमेड गारमेंट्स पर यानी दुकान पर हमला किया गया। दुकान से सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आरोप है कि जिस जावेद की ये कपड़े की दुकान है उसने व्हाट्सएप पर कुर्बानी का फोटो लगाया था और कुछ लोग कहने लगे कि इसने गाय काटा है। फिर क्या था, भावनाएं आहत हो गई। जावेद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश में दुकान चलाता है। अब लोग कह रहे हैं कि उसको हिमाचल प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, पुलिस जावेद को ढूंढ रही है, तथा हिंदू संगठनों ने दुकान के मालिकों को चेतावनी दी है कि विशेष समुदाय के लोगों को किराए पर दी गई दुकानें तत्काल खाली करवाई जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से करीबन दर्जन भर पुलिस वाले मौजूद हैं और इनके सामने ही एक भारतीय नागरिक की दुकान का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया, तथा धर्म के आधार पर बायकॉट करने की बात हो रही है, मकान खाली करवाने की धमकियां दी जा रही है और पुलिस कुछ कर पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। सवाल यह है कि भाजपा की सरकारों में तथाकथित हिंदू संगठनों की गुंडाई बढ़ जाए, ये तो लगातार सभी लोग देख ही रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें इतनी नपुंसकता क्यों दिखा रही हैं? कभी कर्नाटक तो कभी तेलंगाना, और इससे पहले जब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, अन्य राज्यों में भी थी, तो वहां पर भी धर्म के नाम पर बने संगठन खुलेआम गुंडाई करते हुए देखे जा रहे थे। शासन प्रशासन का कहीं दूर तक कोई डर नहीं दिखता। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकलते हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकारों में ही नफरत का सामान खुलेआम बेचा जा रहा है। कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आती जिनसे नफरती चिंटुओं की कमर टूट सके, वो हिम्मत न कर सके पुलिस के सामने किसी की दुकान लूटने की, सामान निकालकर बाहर फेंकने की। व्हाट्सएप पर यदि किसी ने कोई तस्वीर लगाई और यदि उसने कोई विशेष जानवर काटा तो इसकी शिकायत करने के लिए पुलिस है। अगर उस जानवर को काटना मना है तो पुलिस और प्रशासन उस मामले को अपने हिसाब से जांचेगा, मगर विशेष रंग का गमछा ओढ़कर धर्म रक्षक बने इन गुंडों को इतनी सहूलियत और इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि ये पुलिस के सामने ही कानून को तमाचा मार रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि गाय काटने का आरोप लगाकर किसी मुस्लिम को लिंच कर दिया जाता है, किसी की दुकान लूट ली जाती है और कहीं मांस का टुकड़ा देखकर लोग बौखला जाते हैं, जबकि गौशालाओं में दिन प्रतिदिन न जाने कितनी ही गायें चारा और पानी के अभाव में मर रही हैं, तड़प तड़प कर मर रही हैं, बीमारियों से मर रही हैं। वहां किसी नकली गौरक्षक का गौ प्रेम नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश में राह चलते सरेआम सड़क पर प्रतिदिन न जाने कितने गौवंश गाड़ियों से टकरा कर मर जाते हैं, लोगों को भी चोट लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बीफ कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया, उस पैसे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो मांस बेचकर बड़े बड़े धन्ना सेठ और बड़े बड़े राजनीतिक लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं वहां दिक्कत नहीं होती, मगर वही मांस प्रयोग में लेने का आरोप लगाकर देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, उनकी हत्याएं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बहुत सारी गायों को मरने के बाद गौशाला के भीतर ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दबा दिया गया, और इतना ही नहीं गौशालाओं के आसपास की जमीन को खुलवाकर देखिए, गौभक्तों की सारी हकीकत सामने आ जाएगी, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि भाजपा की सरकारों ने और नकली गौभक्तों ने गायों का कितना ख्याल किया है। मगर सवाल यह है कि इन सारी चीजों को जानने के बावजूद कांग्रेस की सरकारें भी ऐसे गुंडों के प्रति नरम और सौहार्दपूर्ण माहौल देती हुई नजर क्यों आती है? आखिर उस विश्वगुरु की इस पिक्चर में कांग्रेस का क्या रोल है? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले ही साल हिमाचल और कर्नाटक दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर इस बार हिमाचल की चारों सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। कर्नाटक में भी उम्मीद के मुताबिक उसे रिजल्ट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के नेता सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलते हुए नजर आए। दो कौड़ी का ज्ञान रखने वाले स्वघोषित बाबाओं के चरणों में जो सरेआम ढोंग करते हैं उनके चरणों में बड़े बड़े नेता लौटते हुए नजर आए। परिणाम क्या हुआ? जनता ने नकार दिया। बाकी राजनीतिक दलों का जो होता है वो होता रहे, देश में नफरत की बयार कम होनी चाहिए। उधर नीट परीक्षा धांधली को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 21 जून को देश भर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। उधर राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस की तरफ से गरीबों को कूलर बांटा गया। वैसे कूलर से याद आया, जैसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है ना, अगर यही हाल रहा तो एसी भी काम नहीं आएगा और नहीं आ रहा है, इसीलिए कूलर एसी के पीछे भागने से पहले पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। अब यह बहाना मत करिएगा कि सरकारें तो देश का बड़ा बड़ा जंगल सेठों के नाम
काम करते जा रही हैं, लुटवाती जा रही हैं, कटवाती जा रही हैं। हमारे पेड़ लगाने से क्या होगा, अपने हिस्से का काम करते रहिए। बाकी गर्मी तो अपने हिस्से का काम कर ही रही है, लोग गाड़ियों में बैठे बैठे मौत के शिकार हो रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।